आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट स्टडी करेंगे जिसमें पहला सर्किट आपके स्क्रीन पर है इसको कहते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है और दूसरा कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं है तो सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली तो एक रेजिस्टेंस आर है इस ये इसके क्रॉस आपने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया है जिसकी वैल्यू है वी इज इक्ल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है वी इज इक्ल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन नंबर वन में लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस करंट क्या है वी अपॉन आर ठीक है तो आई की वैल्यू क्या होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर ओमसला के हिसाब से बी की वैल्यू यहां पुट कर दी तो वी नॉट अपॉन आर इन टू साइन ओमेगा तो नॉट क्या चीज है मैक्सिमम वैल्यू है राइट right. तो और ये है रेजिस्टेंस आर तो ये किसके बराबर हो गया मैक्सिमम करंट के क्योंकि जब मैक्सिमम वोल्टेज है तो करंट भी मैक्सिमम होगा तो ये क्वेश्चन नंबर टू से आ गई तो करंट की इक्वेशन क्या बनी आई इज इक्ल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन नंबर थ्री समझ में आ गया ना बच्चों बहुत सिंपल है अब आप इन्हें इक्वेशन वन और थ्री को कंपेयर कीजिए देखिए इक्वेशन वन क्या है वी नॉट साइन ओमेगा टी और इक्वेशन थ्री है आई इज इक्ल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी तो ये इक्वेशन वन और थ्री जो है ये इक्वेशन है वोल्टेज की एक इक्वेशन है करंट की और दोनों में ओमेगा टी के अलावा और कोई भी टर्म ऐड या सब्स्रैक्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे यहाँ से क्या कंक्लूजन आपका निकला कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज़ में हैं, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हैं और दोनों के बीच में कोई रिलेशन दोनों फेज डिफरेंस नहीं है यही यहाँ पे लिखा है कि इक्वेशन वन और थ्री को देखने के बाद ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चला देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज तो ज, फेजर डायग्राम जब बनाएंगे फेजर डायग्राम क्या है बेसिकली वेक्टर डायग्राम है तो एक वेक्टर वी का होगा एक वेक्टर आई का होगा तो देखिए ये वोल्टेज v और i दोनों सेम डायरेक्शन में है और एक ही फेज में है दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो है कोई है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो इसे कहते हैं फेजर डायग्राम आप इसी तरह से वेव फॉर्म में भी देख सकते हैं कि करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म यहाँ पे हमने दिखाई है तो ये करंट और वोल्टेज दोनों ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और मैक्सिमम तक जा रहे हैं तो वोल्टेज की वेव की फॉर्म जो है वो थोड़ा बड़ी है और करंट की वेव फॉर्म थोड़ा छोटी है क्योंकि आपने वी नॉट को आर से डिवाइड किया हुआ है तो ये वाली फॉर्म आ गई और ये जैसी ये मैक्सिमम करंट होती है या वोल्टेज होता है तो करंट भी मैक्सिमम होता है जैसी वोल्टेज ज़ीरो होता है करंट भी जीरो होता है जैसी वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम होता है करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम होता है जैसे ही ये वोल्टेज ज़ीरो हुआ वैसे ही करंट भी ज़ीरो हुआ यानी दोनों के बीच में एंगल कोई भी नहीं है फेज डिफरेंस कोई भी नहीं है तो ये हो गई वेव फॉर्म तो कर... अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अंडर रूट टू इंटू आर एम एस वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चों आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कैसे दिखाते हैं आई नॉट और वी नॉट से तो अंडर रूट टू आई आर एम एस और बी आर एम एस इक्वेशन नंबर फोर और इक्वेशन नंबर फाइव बन गई है। इसको इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दिया तो क्या हो गया वहां क्या लिखा था वहां लिखा था इक्वेशन टू क्या थी बी अपन आर इज इक्वल टू आई यही था तो अब ये बी की वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट टू वी आर एम एस अपॉन आर इज टू अंडर रूट टू आई आर एम एस तो अब अंडर रूट टू और अंडर रूट टू कैंसिल हो गए भाई तो अब बचा क्या हमारे पास वी आर एम एस इज एकल टू आर इन टू आई आर एम एस इक्वेशन नंबर सिक्स तो इसको कहते हैं फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट या ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो उसमें ओम्सला क्या है वी इज इक्ल टू आई आर लेकिन वी और आई की वैल्यू आर एम एस होंगी ये हमको ध्यान रखना है तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि पीक वैल्यू ऑफ द करंट आई नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्योंकि देखिए आई नॉट की वैल्यू आई नॉट क्या चीज़ है आई अगर हम करंट की वैल्यू लिखें तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी तो आई नॉट क्या चीज़ है मैक्सिमम वैल्यू ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही है और फ्रीक्वेंसी जो है वो वोल्टेज और करंट की दोनों सेम है हम लोग अभी देख चुके हैं कि ये अगर ये अगर वोल्टेज है ये एक साइकिल है तो ये करंट की साइकिल आ गई ऐसे ठीक है ना तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी कहलाता है तो अगर वोल्टेज की जो की हो गई, करंट की फ्रीक्वेंसी हो गई तो ये हमारा कंक्लूजन निकल कर आया अब इस पर एक कोई नुमैनिकल कर लेते हैं एक नुमैनिकल है इसमें कह रहा है राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी लिखिए आर एम एस और पीक वैल्यू बताइए वोल्टेज की तो वी इज वी इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट फोर फोर्टीन पॉइंट वन साइन ओमेगा टी ये आपको दे रहा है तो यहां से तो पीक वैल्यू तो निकलिए आई अगर आप इसको कंपेयर करें इसको आप कंपेयर करें वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन वी नॉट साइन ओमेगा टी साइन सॉरी साइन ओमेगा टी तो देखिए वी नॉट क्या चीज़ है फोरटीन पॉइंट फोर ओमेगा क्या चीज़ है वन थाउजेंड पाई ठीक है ना कंपेयर कर दिया तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है फोटीन पॉइंट वन वोल्ट तो ये तो पीक वैल्यू आपने निकाल ली जैसा कि वो कह रहा है ओमेगा क्या है वन थाउजेंड पाई टी हमने कंपेयर किया है तो ओमेगा किसकी वैल्यू है ओमेगा बराबर है टू पाई एफ तो ओमेगा की की वैल्यू आपने एक्सप्रेशन से निकाली है वन थाउजेंड पाई इज इक्वल टू टू पाई एफ तो देखिए इधर से ये पाई और पाई कैंसिल हो गया टू से वन वन थाउजेंड को डिवाइड कीजिए तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई फाइव हंड्रेड हर्ट्स अब वो कह रहा है आर एम एस वैल्यू भी निकालिए बिल्कुल निकल आएगी क्योंकि हमको रिलेशन मालूम है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू तो V नॉट दे रहा है फोर्टीन पॉइंट वन अंडर रूट टू से डिवाइड किया तो वोल्ट आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी आ गई बच्चों टेन वोल्ट आ गई फिर कह रहा है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट फ्लोइंग अब पाँच ओम का कर, जो है वो रजिस्टर लगा हुआ है अब वो कह रहा है कि करंट की इक्वेशन लिखो बिल्कुल लिख लेंगे क्या करेंगे वोल्टेज इक्वेशन को रजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वी नॉट वोल्टेज की इक्वेशन क्या है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ठीक है ना साइन ओमेगा टी और ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंस ये ओमेगा क्या है एंगुलर विलोसिटी यानी टू पाई एफ वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए वी नॉट अपॉन आर आर से डिवाइड कर दिया ओमसला के हिसाब से तो वी हमें दे रहा है फोर्टीन पॉइंट वन डिवाइडेड बाई फाइव साइन ओमेगा की वैल्यू 1000 पाई सी हो गई और आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका करंट का एक्सप्रेशन आ गया है ना बहुत सिंपल तो उम्मीद है कि आपको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट या सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और हम आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करेंगे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों से भी कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो